जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th साइंस और कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट हिंदी कोर के आंसर के देखने वाले हैं, जो कि आज आप लोगों का एग्जाम्स हुआ है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा और अपने बुकलेट में जो है इसको अच्छे से मिलान कर लीजिए और पता कीजिए कि किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल आप हमारे स्क्रीन पर देखिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के सही विकल्प को चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यह जो पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लिए होंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड जो सवाल दिए गए उसका आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, यहां पे पहला प्रश्न दिया गया है कि कवित्री को बार बार किसकी याद आती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उसको जो है बचपन की याद आती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर दिया गया है कि बचपन जाते जाते क्या लेकर चला जाता है। तो बचपन जाते जाते जो है जीवन की मस्ती लेकर जो है चला जाता है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि बचपन के आंसुओं की तुलना किससे की गई है। तो दोस्तों बचपन के आंसुओं की तुलना जो है मोती से की है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचना किसने की है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मन्नू भंडारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही और सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं, पांचवा नंबर जो कि आपका देख सकते हैं दिया गया है कि गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक का सही विकल्प आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया गया कि चिंता रहना बड़ा ही दुर्भाग्य स्वभाव है, चिंतित रहना बड़ा ही दुर्भाग्य स्वभाव है, इसको जो आप लोग अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा। चलिए और आप लोग तो पढ़ ही लिए होंगे। देखिए पांचवा नंबर सवाल दिया गया कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वभाव क्या है। तो इसका आंसर होगा चिंतित होना, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल छठा नंबर है कि चिंता का मूल कारण क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चिंता का मूल कारण होता है अकर्मण्यता, ठीक, अकर्मण्यता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल सातवां नंबर है कि कैसे लोग कभी चिंता मुक्त नहीं होते। तो इसका आंसर होगा अभी का काम कभी पर टालने वाला जो है व्यक्ति जो है हमेशा जो है चिंतित में रहता है, ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा 7 नंबर का। चलिए आठवां नंबर सवाल दिया गया कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, हमें जो है कल्याणकारी जीवन जीना चाहिए, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर है, कहता है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे होना चाहिए तथ्यात्मक तथा सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है शिक्षा में होता है, व्यवसाय में होता है, चिकित्सा एवं विज्ञापन में होता है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बच्चों इसका आंसर होगा समाचार पत्र की बिक्री और विज्ञापन दोनों हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 जो है दोनों इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल 12 नंबर दिया गया है कि अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा चिरंजीवी जो है संबोधन किया जाता है, ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनसंचार का सबसे नया और लोकप्रिय माध्यम है। इसका लोकप्रिय माध्यम क्या है, तो यह है इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 14 नंबर दिया गया है कि उल्टा पैरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है। तो समाचार लेखन में होता है। दोस्तों इसमें से 100% आप लोगों का जो सवाल है ना, वो मैंने कल के जो है वीडियो में बताया हुआ है और आज के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, यानी कि दोनों को आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लिए होंगे तो जितने भी छात्र पढ़े होंगे ना, तो 100% आपका जो है योर है कि 40 में 40 आप लोग मार लिए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे देखिए 15 नंबर सवाल दिया गया है कि विचारों के आदान प्रदान कि निम्न में से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पत्राचार, ठीक है, ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा 15 नंबर का। अगला सवाल 16 नंबर है, कहता है फीचर लेखन की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीचर लेखन की जो विशेषता है वो हो जाएगा नीरस शोध रिपोर्टिंग, या जो है विशेषता नहीं है, ऑप्शन 3 जो है इसका सही आंसर होगा 16 नंबर का। अगला सवाल 17 नंबर दिया गया कि पत्रकारिता शब्द का आरंभ किस विद्या से हुई है। तो इसका आंसर होगा समाचार पत्र के विद्या से हुई है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा 17 का। अगला सवाल 18 नंबर दिया गया है कि लोकतंत्र के अभिवाजन अंग के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य लेखन को जो है जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए 19 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दिया गया है ये पद्यांश है। इस पद्यांश को मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था मॉर्निंग में ही कि ये पद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि पांचवी मैं अभागा सीने जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। तो यहाँ पे जो है दिया गया है ना, सुहाना जो है सोने का सुहाना जो है पिताजी को कहा गया है, और पांचवी जो ये क्या है, पांचवी एक कवित्री है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं इसका 19 से लेकर 22 तक का जो है सवाल का आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले दिया गया है कि इस पंक्तियों के कवि कौन है, तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, ये जो है कवित्री है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, भवानी प्रसाद मिश्र इसका राइट आंसर होगा 19 का। अगला सवाल 20 नंबर दिया गया है कि पांचवी मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, सोने पर सुहागा क्या तात्पर्य है, तो सोने पर सुहागा का तात्पर्य होता है दूसरों से बेहतर होना, भाव विरोह हो जाना, सबसे प्यारा होना। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर दिया गया है कि पांचवे का नाम लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है, तो पांचवा कौन है बच्चों, तो यहां पे जो है पांचवा जो है ना, 21 नंबर का जो सवाल है इसका आंसर जाएगा स्वयं कवि जो है ये पांचवा का नाम लेकर अपने आप को जो है संबोधित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा 21 नंबर का। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है कि कवि को सोने पर सुहागा कौन कहता है, तो पिता कहता है। तो ऑप्शन जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, तो गोपाल शब्द का प्रयोग जो है कृष्ण के लिए होता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। और बच्चों मुझे कॉमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपका कितना जो है सही हो रहा है, और हमने जितना बताया था उसमें से कितना जो है 100% आप लोगों का लड़ा है, आप एकदम साफ साफ बताइएगा, क्लियर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल दिया गया है कि पथिक कविता में कवि अपनी प्रिया को क्या पढ़ने हेतु कहता है, तो ये कहता है कि विश्व को मोहित करने वाली कहानी पढ़ने को कहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र मुख्यतः आस्था रखते थे, तो किसका आस्था रखते थे दोस्तों, गांधीवाद पर आस्था रखते थे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चिराग मैसर और दरख्त किस भाषा के शब्द हैं, तो ये तीनों जो है ना, ये मैंने अभी आपको जो है मॉर्निंग में ही आपको पढ़ाया था, ये जो है उर्दू भाषा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा 26 का। अगला सवाल 27 नंबर दिया गया कि चंपा का पिता क्या है, तो चंपा का पिता जो है ग्वाला है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देख सकते हैं कि 28 नंबर से लेकर 31 नंबर जो है एक आपका जो है गद्यांश है, इस गद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश में दिया गया हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। चलिए इस गद्यांश को तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, चलिए मैं डायरेक्ट जो है आंसर आपको बताते जाऊंगा। देखिए 28 नंबर सवाल दिया गया कि इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक है दोस्तों कृष्णचंद्र, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा 28 नंबर का। अगला सवाल है 29 नंबर की हॉर्टिकल्चर विभाग किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर जो विभाग कहते हैं, ये हॉर्टिकल्चर विभाग जो है ना वो बागवानी विभाग को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 30 नंबर देखें दोस्तों, दिया गया है कि इस गद्यांश में किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, इसका आंसर होगा सरकारी कार्यालय पर जो है, कार्यालय की व्यवस्था पर जो है व्यंग्य किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है 3 का सॉरी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन 1 जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल 31 नंबर दिया गया कि किस पेड़ को काटने का सुझाव सरकारी अफसर देते हैं, तो जामुन का पेड़ काटने का जो है यहां पे अनुमति दी जाती है, यहां पे अफसर जो है सुझाव देते हैं, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 32 नंबर दिया गया कि रजनी पटकथा किस समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यवसाय बनती शिक्षा की ओर जो है यह ध्यान आकर्षित करता है, ध्यान खींचता है, तो ऑप्शन 3 जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को सर्वप्रथम किसने देखा, तो इसका आंसर होगा माली ने देखा था, ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 34 नंबर दिया गया कि भारत माता के लेखक को क्या अजीज है, तो इसका आंसर आएगा नदी और पहाड़, खेत और जंगल, यानी कि इनमें से सभी जो है इसका सही आंसर होगा, ये तीनों ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, चलिए इसलिए इसका 34 नंबर का ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर है कि आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है, तो इसका आंसर आएगा आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विदाई संभाषण में वायस राय करजन को किससे अधिक दमनकारी कहा गया है, इसका आंसर रहेगा इनमें से सभी, यानी कि देखिए नादिर शाह से, कैसर से और जार से, तीनों से जो है दमनकारी कहा गया है, इसलिए इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा 36 नंबर का। अगला सवाल 37 नंबर दिया गया कि बेबी हल्दार क्या कार्य करती है, तो बेबी हल्दार जो है घरेलू नौकरानी का काम करती है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 38 नंबर दिया गया है कि तातुस ने बेबी को एक दिन क्या चीज दी, तो इसका आंसर रहेगा कॉपी कलम दी, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही
आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 39 नंबर दिया गया है कि कुएं की खुदाई का काम कौन करता है, तो दोस्तों करता है जे छारो, ठीक है, जे छारो जिसको हम लोग कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है जिसको मैंने आपको पहले ही बताया था चवनजी, ठीक है, चवनजी भी मैंने आपको कहा था। इसका आंसर जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर देखिए दिया गया है कि किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं, तो शास्त्रीय संगीत से जो है पूर्ण रूप से बंधे होते हैं। 40 नंबर का ऑप्शन 4 जो है सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है 40 का सटीक और आपने अभी तक कॉपी में नहीं मिला है तो जल्द से मिला लीजिए और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। और बच्चों मैंने जितना भी आप लोगों को पढ़ाया था उसमें से 100% आप लोगों का लड़ा है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे भी आप लोगों की तैयारी करवाने वाला हूं और इसलिए आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।